हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? सामने वीडियो में आप देख रहे हो, ये हमारा सी फ्रेम है। अभी ये आउटर रख के रहना है तो हम लोग इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो देख सकते हो क्या जुगाड़ बनाया है। पहला नंबर जुगाड़, फिर काम, चारों तरफ से हम लोग इसका पाइप डाल के या तो स्कोर पाइप डाल के पहले पीछे से आगे से चारों तरफ से जुगाड़ बनाया है। उसके बाद में फिर हम लोग सी फ्रेम डाला है। तो पहला पार्ट डाल दिया, दूसरा पार्ट बाकी है। तो ये जुगाड़ देखिए कितना डेंजरस जुगाड़ है। और इधर ही हमारा आने वाला है डबल टाई, इधर आने वाला है सिंगल टाई। देख सकते हो अभी हम लोग एक सी फ्रेम डाल दिए, दूसरा बाकी है। आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो सी फ्रेम हम लोग आउटर का डालते हैं कैसे डालते हैं। तो पहला नंबर, कहीं कहीं में जुगाड़ नहीं बनाते हैं बट कहीं कहीं जुगाड़ बना देते हैं। तो हम लोग जुगाड़ बना दिया है और पहला पार्ट डालने के बाद दूसरा पार्ट डालेंगे। क्या देख रहे बोल्ट है, थोड़ा बारिश हो रहा है, बारिश भी गिर रहा है। तो क्या इधर दो है, इधर दो, चार दो, ये पट्टी है, पट्टी के बीच में से आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में सेम टू सेम उधर भी है वो साइड में, ठीक है। तो इसको टाइट करने के बाद में पहले देख लेंगे उसका लेवल, देख लेंगे वाटर लेवल यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे कि वो साइड से लेकर यहाँ तक वाटर लेवल हम लोग देख लेंगे, कहाँ हमें डाउन करना है, कहाँ हमें हाइट करना है। उसके हिसाब से फिर दो चार पाँच एम एम, दस एम एम, बीस एम एम अगर अंदर बाहर हुआ, जैसे कि डाउन हाइट हुआ तो टेंशन नहीं है बट लेकिन ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो कि आप 20 एम एम, 25 एम एम, 30 30 एम एम, ठीक है, अगर आपका ब्रैकेट हाइट है कोई टेंशन नहीं है, अगर डाउन भी है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। वो एडजस्ट मेंटेन कर लेता है, ठीक है। आप बोलो कि 100 200 एम एम आगे पीछे कर लेते, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कहीं कहीं कर देते हैं बट लेकिन ऐसा अप्रूवल नहीं देना चाहिए और ऐसा काम होता भी नहीं है, ठीक है। बट वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। और ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट डाल के आपको दिखाते हैं और लेबर टू लेबर करके दिखाएंगे कि हमारा वर्क कैसा चल रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। देख सकते हो फाइनली हम लोग का ये सी फ्रेम लग चुका है और थोड़ा बारिश भी हो रहा है। तो ये साइड तो देख रहे हैं बोल्ट, इसको टाइट करेंगे, फर्स्ट इसको टाइट करेंगे ताकि बाहर फेंक दे, ठीक है। बाद में सेकेंड में इसको टाइट कर देंगे ताकि फिर बाहर आवे ना। सेम टू सेम ऐसा प्रोसेस, दो ए साइड है, दो ओ साइड है, दो ओ साइड है, दो ए साइड है, जो देख रहे हो। तो बारिश थोड़ा कम था तो इसको टाइट हमने कर दिया, ठीक है, टाइट अपने जगह पे। और एक कान से थोड़ा दूर पे है, कान से टच में रहेगा तो क्या है, बाद में होते होते थोड़ा एक कान से टच होगा लड़ेगा, थोड़ा इधर का थोड़ा जंग खा के थोड़ा कट जाता है। इसके हिसाब से थोड़ा कान से दूर रहना चाहिए और एक कान से दूर भी है जो सामने देख रहे हो। तो लेबर हमारा इधर ही आने वाला है, इधर ही आया था, इसके हिसाब से हम लोग इधर रखते हैं तो थोड़ा इसके ऊपर या इसके नीचे रहता है। तो देख सकते हो ये हमारा सी फ्रेम हम लोग डाल दिए हैं और मेरी जो मोबाइल है वो रिकॉर्ड करते करते पानी में गिर चुकी है। और देख सकते मेरे हाथ पे बारिश भी हो रहा है बट लेकिन दिखा देते हैं आपको। और ए साइड में चार बोल्ट ए साइड में है और चार बोल्ट वो साइड में देख रहे हो, पहले से चार था, बाद में लोग चार डाले, चार चार आठ बोल्ट हम लोग डाल के इसको रेडी कर दिए, मेरा हाथ भी बिक गया। तो देख सकते हो हमारा सी फ्रेम था और टाई का मेजरमेंट हम लोग लेने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहे। फाइनली हम लोग का एयर टाइट हो चुका है और देख सकते हो हम लोग टाई का मेजरमेंट ले रहे हैं। फर्स्ट टाई हमारा आया है 3 मीटर 870 और दूसरा टाई आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कितना आ रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक आप बने रहें। तो फ्रेंड्स देख सकते हो दूसरा टाई हमारा आया है 4 मीटर 650, जो पकड़ा है हम उसका चेहरा नहीं देख दिखा सकते, तो ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं। और तीसरे टाई आपको बता रहे हैं, तो ऐसे लाइन पे बने रहिए। कितना आया, 3 मीटर 930, 3 मीटर 930 आया हमारे तीसरे टाई के सामने, देख रहे हैं। रैकेट हम लोग वेल्डिंग कर दिए हैं, पहले वीडियो में दिखाया आपको, पिन वगैरह निकाल दिए हैं और भैया इधर से वापस इधर आ गए तो आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं जो उसी पर हम लोग टाइट किए थे कैसे टाइट किए थे। तो वीडियो में बने रहे। जैसे मैंने दिखाया आपको, हमने टाई का मेजरमेंट ले लिया और आपको दिखा भी दिया, सी फ्रेम का बता भी दिया, लेकिन दिक्कत है बात हो रहा है, थोड़ा बारिश ज़्यादा है ना, तो इसके हिसाब से भी हम करें तो करें क्या करें, ठीक है। और देख सकते हो हाथ पे इधर पानी पे पानी हो रहा है, टपक रहे। और ये सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो फायर की भी, फायर ब्रिगेड की है, यानी कि इधर ही फायर पूरा बिल्डिंग है, फायर की आने वाली है। फिलहाल में कंप्लीट हो चुका है और इसीलिए जो RCC काम कम्प्लीट हो गया, थोड़ा टाइल्स वगैरह बाकी है। तो उसके बाद में जो साफ़ सफाई हो जाएगा इधर, जो टाइल्स वगैरह जो भी लगेगा साफ़ सफाई के हिसाब से, बाद में इधर गाड़ी आ जाएगी फायर की। और पर्सनली इसी बिल्डिंग के लिए फायर की गाड़ी रहेगी, आगे तो बिल्डिंग है लेकिन जिधर भी लगेगा उधर काम जरूर लगेगा। सामने आगे 25-27 बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रहा है आपको, बट लेकिन हम लोग पिन इसका डाल दिए और टाइल का मेजरमेंट ले लिए।
हो गया हो गया, और बचा है क्या? नट बोल्ट उधर से फिक्स लगा दिया, नट बोल्ट जाओ ले लो, जो जो है उधर से उठा लो बाल, ठीक है? बैटरी तो लगाओ यार, ऐसा चल जाता है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, अभी जल्दी आओ यार इधर, क्या यार तुम भी बाल सफाई में बिना बेल्ट के उधर जाता है सेफ्टी में रहने का ना, ऐसे नहीं जाने का यार, ठीक है? कभी भी किधर भी सेफ्टी में काम करने का, ठीक है? तो दोस्त देख सकते हो अभी बारिश भी चालू है, ठीक है? जो जो मैंने आपको बताया, तो वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे टावर किरण इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.